हेलो दोस्तों, तो हम बनाते हैं कच्चू पत्ते की सब्जी। के खाने में बहुत लाजवाब लगता है दोस्तों, और इसे सरसों का मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी बनता है ये सब्जी। तो चलिए बनाते हैं कच्चू के पत्ते की सब्जी, जो कि इसे अरबी के पत्ते भी बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो हम कच्चू पत्ते को अच्छे से धुल लेंगे और उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और एक बर्तन में हम बेसन और चावल का आटा मिलाएंगे। और चावल का आटा इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि थोड़ा कुरकुरा भी लगता है। और फिर इसमें हम थोड़ा मसाला भी डालेंगे जो हम पेस्ट बनाए थे, गोलकी, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च का। इसमें हम हल्दी डालेंगे, ज्वाइन मसाला डालेंगे, और इसमें हम ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हम नींबू डालेंगे ताकि ये कच्चू पत्ता जो है काटे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा काटता भी है मुँह, इसलिए इसमें खटाई डालना चाहिए। इसमें हम खटाई डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मिला करके पेस्ट बिल्कुल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें पत्ता इस तरह बिछा लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इस पर सारा बेसन इस तरह करके लगा लेंगे जो हम तैयार किए हैं पेस्ट। और उसके बाद से फिर इसको हम अच्छे से मोड़ लेंगे। तो इस तरह करके हम मोड़ लेंगे, ये देखिए। तो अब बस इसको इस तरह राउंड 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 कर लेंगे हम। और तो ऐसे करके हमको बना लेना है, और फिर इसको हम थोड़ा स्टीम कर देंगे। तो ये देखिए, कढ़ाई में हम पानी डाल दिए हैं, और इसको हम इस तरह एक जाली वाला थाली में रख करके इसको हम ढक देंगे और इसे हम पका लेंगे भाप से। तो ये देखिए, और ये देखिए पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद से हम तब तक मसाला का तैयारी कर लेंगे। और हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, उसमें मेथी का ही फ़ौरन डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा एकदम मछली जैसा। और इसमें हम हींग भी डाले हैं फ़ौरन में, और इसमें हम टमाटर, प्याज और सरसों का मसाला पीसे। इसमें हम लहसुन, हरी मिर्च, गोलकी, जीरा और सरसों डाले हैं। और हम फ़ौरन को इस तरह जला लेंगे, और फिर उसके बाद से फिर इसमें प्याज को डाल करके प्याज को थोड़ा ब्राउन भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें मसाला डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मसाला को भून लेंगे। और हाँ दोस्तों, मसाला को भूनने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भूना करिए, और तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा ये सब्जी। और इसमें हम हल्दी डालेंगे, और थोड़ा हल्दी को भी पका लेंगे अच्छे से। देखिए, मसाला में तेल भी छोड़ दिया है, तो इसी तरह मसाला भूना करिए और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा ये सब्जी। फिर इसमें हम टमाटर डाल के अच्छे से टमाटर को भून लेंगे। और वाकई में मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और इसमें हम थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और हाँ, हम पत्ता में भी नमक डालें तो नमक उतना ही डालिएगा जितना कि आप खाते हैं, तो स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। और उसके बाद से मसाला को अच्छे से भून लीजिएगा एकदम और बढ़िया। हम देखिए, कच्चू पत्ता ठंडा हो गया था तो हम उसको काट लिए हैं पीस करके। अब इसमें तवा पे थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं, और इस पर हम थोड़ा इसको सेक देंगे, थोड़ा ब्राउन कर लेंगे हम, ताकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो देखिए दोस्तों, मसाला भून के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हम पानी डाल देंगे और मसाले को पका लेंगे पानी के साथ, और फिर देखिए खाने में कितना टेस्टी लगने वाला है ये सब्जी। और ये देखिए, हम जो पत्ता सेकने के लिए रखे थे कच्चू पत्ता का, तो सेक गया है। अब हम मसाला को देखिए, मसाला ही पक गया है, तो इसमें अब हम पत्ता डाल देंगे। और दोस्तों, मैं बता रही हूँ सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो इसी तरह आप इसको डाल करके और गैस को बंद कर दीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं। बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है सब्जी दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास मेरे वीडियो पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।